हेलो गाइज, मेरा नाम श्याम है। आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये बनाया फ्रेंड्स। ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये है पोर्टेबल ब्लूटूथ। फ्रेंड्स, मैं जैसे कि मैंने 3-4 एम्पलीफायर बनाया और सबके लिए मुझे एक एक ब्लूटूथ चाहिए, तो मेरे पास ऐसे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही मेरे पास जो ब्लूटूथ था उसको मैंने पोर्टेबल बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बनाने के बाद मैंने इसके अंदर लगाया क्या क्या, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा स्विच ऑन ऑफ करने वाला, और पीछे से जो ये है ये इनपुट देने के लिए। फ्रेंड्स, बीच वाला ग्राउंड है, और ये राइट और ये लेफ्ट चैनल का है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर जो मैं दिखाऊँ आपको, तो इसके अंदर कुछ ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बैटरी है, और मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे कनेक्शन किए मैंने इसके, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा और इसे चला के भी दिखाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एम्पलीफायर। ये मैंने पहले अपने वीडियो में बना के दिखा दिया है, और आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस एम्पलीफायर को बनाया किस लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये एक एम्पलीफायर बनाया, इसके बाद मैं दोबारा एम्पलीफायर एक और बनाता हूँ, फिर एक और बनाता हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे पास ब्लूटूथ तो एक ही होगा। मैं कब कब इसमें से निकाल के फिर दूसरे में लगाऊंगा, फिर उसमें से निकाल के दूसरे में लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए इसको एक पोर्टेबल बना दिया कि अब मुझे इस किसी में भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी मुझे चलाना है वहाँ मैं 3 इनपुट वहाँ से निकाल दूंगा, और ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई निकाल दूंगा। ये मैंने किस लिए निकाला है फ्रेंड्स, बाई चांस इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कभी ज़्यादा चलाने की वजह से, तो हम इससे भी डायरेक्ट इसे कनेक्ट करके चला सकते। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये ऑन हो गया फ्रेंड्स, और मैं अब इस वाले फोन से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं इससे कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स इससे। अब मैं इसमें गाने चला के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चल रहा है। अब मैं आपको इसके क्या क्या मैंने कैसे कैसे इसके कनेक्शन किए हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दो मोबाइल फ़ोन की बैटरी लेनी है, और इनको सीरीज़ वाइज में जोड़ लेना है। सीरीज़ वाइज में जोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ना होगा, और इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ना होगा। दोनों के एक एक का प्लस से निकल जाएगा, एक का माइनस से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे जोड़ा है, मैंने दूसरी बैटरी में जोड़ रखा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ा है। ये जो इसका माइनस है वो इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, और जो इसका प्लस है वो इसके माइनस से जुड़ा हुआ है। दोनों के एक के प्लस से और एक के माइनस से हमारा ये प्लस का और ये माइनस का वायर निकल गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चार्जिंग का समझा देता हूँ, चार्जिंग का कैसा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, हमारा ये सॉकेट है पतली पिन का, इसका ये ऊपर वाला प्लस है माइनस है, और नीचे वाला प्लस है। तो फ्रेंड्स, प्लस से एक डायोड निकला है और एक रजिस्टर निकला है, जो रजिस्टर में आपको LED का प्लस जोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। LED का प्लस जोड़ने के बाद आपको जो LED का माइनस है वो आपको यहाँ जोड़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सॉकेट का माइनस है यहाँ जोड़ने के बाद, अब आपको बैटरी का कनेक्शन कैसे करना है, बैटरी में सीरीज़ में मैंने पहले ही बता दिया कैसे करना है। और जो इसका प्लस वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, वो डायोड में आके जुड़ जाएगा, आपका डायोड में प्लस वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, और जो इसका माइनस है वो आपके यहाँ सॉकेट में माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात तो हो गई चार्जिंग की, अब USB मॉडल की बात करते हैं, इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो 3 हिस्सा होता है, मतलब जो इनपुट का हिस्सा होता है, ये देखिए, ये रहा इनपुट का। ये मैंने स्पीकर का जो सॉकेट होता है पीछे की साइड, इसमें से 4 होते हैं, एक मैंने काट के हटा दिया है, 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। 3 में ये बीच वाला ग्राउंड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये तीनों ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जो इसका प्लस और माइनस होता है, तो प्लस वाला मैंने क्या किया, एक प्लस वाला ले जाके यहाँ पे स्विच में जोड़ दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसका माइनस वाला है वो तो सबके माइनस जहाँ जुड़ रहे हैं वहीं जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बैटरी का जो प्लस वाला हिस्सा है, मतलब आपको डायोड से एक तार लाना है और इसको स्विच में जोड़ लेना है। जैसे यहाँ जोड़ लोगे, तो जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था इसके अंदर कनेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना।
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इससे पहले कि हमारे वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तुझसे मन